मेरी लाइक उर्फी के लुक से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे इतना कुछ धमाके हो जाए और उर्फी बोले कि नो कमेंट्स, तो ये तो नहीं बनता है। तो प्लीज़ उर्फी अगर आप कुछ कहना चाहो। किसके बारे में? रिसेंटली जो हिंदुस्तानी भाव कह रहे हैं कि यार अगर आप सही हो तो फिर कुछ तो नहीं। इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन एवरीवन हु हैज अ प्रॉब्लम विद व्हाट आई पुट ऑन माय बॉडी, फिर तो कुछ हो। आई एम श्योर आपके रिश्तेदार है जो आपको बोलते होंगे कि आप काम मत करो, जीन्स मत पहनो, आप सबको रिप्लाई देती हो? नहीं देती हो ना, आप अपना काम करती हो, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो। आपके भी कुछ घर वाले होंगे जो आपको बोलती हो कि माइक लेके चली जाती हो, क्यों ऐसे करती हो, जीन्स क्यों पहनती हो, व्हाई यू बीइंग अ गर्ल। जस्ट एक लड़की होना ही अपने आप में प्रॉब्लम है, एंड स्पेशली व्हेन यू योरसेल्फ। एंड द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को जीन्स टॉप नहीं पसंद है, किसी को स्कर्ट टॉप नहीं पसंद है। हम हर किसी को प्लीज करने नहीं जा सकते। But what about the viewers? They are thinking good about you, but the people are saying, and if Urfi doesn't say, then what that means? मुझे Urfi हर बार जो कमेंट आते थे वो कुछ अलग होते थे, but इस बार जो हिंदुस्तानी भाव की तरफ से आया है वो बहुत ही अलग है। So आपके जो फैंस हैं उनके भी फैंस हैं जो आपके वो चाहते हैं कि आप पर क्या कमेंट आए, क्या कमेंट आए? वो आपको खुद पता है उन्होंने क्या बोला? Because आपको नहीं पता मुझे। नहीं, I don't know, but I think जो बोला था मैंने उसका जवाब दे दिया था, एंड दैट्स इट। आई डोंट वांट टू ड्रैग इट। आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट अ क्राइम, बट इफ यू आर थ्रेटनिंग समवन कि वो, दैट्स अ क्राइम, दैट्स इट। जय हिंद। ये मैसेज है उर्फी जावेद के लिए जो आज खुद को बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर समझ रही है। बेटा ये जो बाहर तू कपड़े पहन के घूम रही है ना फैशन के नाम पे, ये हिंदुस्तान का ना रिवाज नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। तेरे वजह से बहुत गलत मैसेज जा रहा है बहन बेटियों तक, तो सुधर जा बेटा, वरना मैं सुधार दूंगा। हाँ, एक भाई के नाते प्यार से समझा रहा हूँ, सुधर जाना।